बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मूर्ख लोगों के सींग और पूंछ नहीं होते, उन्हें उनके द्वारा किए गए कारनामे देख ही पहचाना जाता है। लोग अपनी हरकतों के चलते खुद तो शर्मसार और दुखी होते ही हैं, साथ ही साथ कई बार ये लोग दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। दुनिया भर में मौजूद कुछ मूर्ख लोगों के कारनामे दिखाने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक एक वीडियो बनाया। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं डम पीपल कॉट ऑन कैमरा वीडियो का पार्ट टू। आपने आज तक बहुत से शराबी और उनके कारनामे देखे होंगे, लेकिन अब मिलिए इन जनाब से जो चीन के शेनजान शहर में नशे की हालत में कार ड्राइव करते समय पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और जब पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर से नशे की मात्रा जांचनी चाही, तो जनाब एनालाइजर को हाथ में लेकर कुछ इस तरह से सिर्फ मुंह बनाकर फूंक मारने का नाटक करने लगे ताकि एनालाइजर में हवा न जाए अबे साले। और पुलिस उसके नशे की मात्रा जांच न पाए, लेकिन पुलिस को उसकी हरकतें देख पहले ही अंदाजा हो चुका था कि महाशय कितने पानी में है। पुलिस भी उसे लगातार कहती रही कि एक जनाब इसमें फूंक इस तरह से मारोगे जैसे बलून फुला रहे हो। काफी समय तक कड़ी मशक्कत के बाद जब पुलिस कामयाब हुई तो बेचारे को फूंक मारनी ही पड़ी, जिसमें पता चला कि ये जनाब कार ड्राइव करते समय पूरी तरह से नशे में धुत थे। हाल ही में 30 मई 2021 के दिन ब्राजील मूल के एक 35 वर्षीय कॉमेडियन लुइस रिबेरियो डी एंड्राडे अपना फनी वीडियो शूट कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सुपरमैन की ड्रेस पहनकर सुपरमैन की तरह ही हाथ के इशारे से बस रोकनी थी। अब सीन शुरू हुआ और जनाब सुपरमैन की तरह मैन ऑफ स्टील बनकर बस के आगे खड़े हो गए और हाथ से इशारा करने लगे, लेकिन तभी बस ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस सही जगह रुकने के बजाय कुछ फीट आगे जाकर रुकी, जिसके चलते ये लुइस से आकर टकराए और महाशय का पोपट हो गया। खैर गनीमत रही कि बस सही समय पर रुक गई, वरना लुइस अपनी मूर्खता भरे स्टंट के चक्कर में अपनी जान भी गंवा सकती थी। ये वाक्या उस समय देखने को मिला जब अप्रैल 2021 के दौरान ओल्गा कुज़मिना नामक एक महिला उज़्बेकिस्तान के पहाड़ों में घूम रही थी, लेकिन इस दौरान उनके मूर्ख ड्राइवर ने शॉर्टकट के चक्कर में कुछ तूफानी करने का प्लान बनाया और नदी पार करने के लिए इसमें कार को उतार दिया। ड्राइवर की पहली कोशिश में तो कार नदी पार नहीं कर पाई, लेकिन ये अभी भी चालू थी, जिसके चलते ड्राइवर ने इसे बैक किया और वापस बाहर चले गए। लेकिन ड्राइवर महाशय की खुजली अभी शांत कहाँ हुई थी, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर से ट्राई करने का प्लान बनाया, मगर इस बार कार बीच मझधार में ही जाकर रुक गई, जिसके बाद ड्राइवर महाशय कार ठीक करने के लिए पानी में ही बोनट खोलकर बैठ गए, लेकिन इससे भी कुछ हाथ नहीं आया। अंत में पास से जा रहे एक ट्रक को बुलवाया गया और कार को टो करके मैकेनिक से ठीक करवाया गया। हाल ही में बीते गुरुवार यानी 3 जून 2021 के बाद इंटरनेट पर एक वीडियो जमकर सुर्खियों में आया। वीडियो उत्तर प्रदेश के भदोही में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें देखा गया कि एक सरफिरा आशिक अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में शामिल होने के लिए औरत के वेश में तैयार होकर उसके घर पहुंच जाता है और वहां कहने लगा कि एक बार मुझे दुल्हन से मिलवा दो, लेकिन महाशय की बॉडी लैंग्वेज देखकर लोगों को वहम हुआ, जिसके चलते उन्होंने महाशय को खंगालना शुरू किया। तब जाकर पता चला कि इस महिला के अंदर तो एक पूरा वयस्क मर्द छिपा बैठा है। आशिक के पकड़े जाने के बाद लोगों ने उसकी खातिरदारी शुरू की, लेकिन यह आशिक खुशकिस्मत था जिसके चलते वो जैसे तैसे बच निकला और अपने दोस्तों की बाइक से 9-2-11 हो गया। घटना के बाद लड़के के घर वालों ने इस सरफिरे लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा दी, लेकिन जनाब अभी भी फरार है। इंटरनेट पर की चैलेंज ने किस तरह लोगों का ध्यान बटोरा और कितने लोगों को इस दौरान शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ, इस बात से भी आप भली भांति वाकिफ होंगे। उन्हीं में से एक ही मोहतरमा है जो जुलाई 2018 के दौरान ट्यूनिशिया की 100 शहर की सड़कों पर की चैलेंज का वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन इस दौरान उसके हाथ से पर्स छूटकर नीचे गिर जाता है। अब लड़की को समझ में नहीं आया कि वो बिना ड्राइवर चल रही कार को संभाले या फिर अपना पर्स उठाए। खैर वो तो संशय में थी, लेकिन सड़क पर उसके पीछे चल रहे दो चोरों को कोई भी संशय नहीं था। चोरों ने सड़क पर पर्स देखते ही इस पर झपट्टा मारा और लेकर 9-2-11 हो गए और लड़की हाथ पर हाथ धरे देखती रह गई। मार्च 2021 के दौरान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के आईपीएस ऑफिसर रूपेन शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें दिखा गया कि एक शराबी व्यक्ति अपनी साइकिल को उठाए हुए चप्पल पहनने की कोशिश कर रहा था। जनाब काफी मशक्कत के बाद चप्पल पहनने में सफल हुए और साइकिल पर चढ़कर रवाना होने लगी, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद जब महाशय साइकिल सहित नीचे गिरे, गिरने के बाद जनाब उठने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। उठना गिरना तो शराबियों के लिए एक साधारण सी बात है, लेकिन ये महाशय चप्पल पहनने के बाद साइकिल को सर पर क्यों उठाए हुए थे, ये बात आज तक एक रहस्य है। शायद हो सकता है कि जनाब कहानियों के उन महाशय के कर कदमों पर चल रहे थे जो गधे पर बैठकर थैला सर पर उठाते थे ताकि गधे को बोझ न लगे। खैर आपके इस पर क्या विचार है नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अब जरा इन मोहतरमा पर भी नज़र डाल लीजिए, जिन्हें काफ़ी समय से दो नंबर का प्रेशर बना हुआ था, जिसके चलते वो घर पहुंचते ही फटाफट कार से उतरी। लेकिन मोहतरमा भूल गए कि कार खड़ी करने से पहले हैंड ब्रेक भी लगाने होते हैं, जिसके चलते उसके नीचे उतरते ही कार सामने की दीवार में ठुक जाती है। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब नवंबर 2017 के दौरान वॉशिंगटन के एवरेट की रहने वाली कैट एंडरसन नामक एक महिला के घर के बाहर पड़ा पार्सल चोरी करने के लिए एक छोड़नी और उसका ड्राइवर साथी आते हैं। छोड़नी कैट का पार्सल उठाकर रवाना भी हो जाती है, लेकिन उसके ड्राइवर ने रवाना होते समय हड़बड़ाहट के चलते कुछ सेकंड पहले ही कार को चला दिया, जिसके चलते मोहतरमा सड़क पर धराशायी हो गई और कुछ समय बाद मकान मालिक कैट भी मौके पर पहुंच गई। कैट ने चोरनी की गुद्दे पकड़कर अपने घर में ले जाकर पुलिस को कॉल किया। लगभग 10 मिनट बाद पुलिस यहां पहुंची और चोरनी को पकड़कर उसके ससुराल यानी पुलिस स्टेशन ले गई। अगला वीडियो उस समय रिकॉर्ड हुआ जब ये मोहतरमा बाल स्ट्रेट करने का एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रही थी, लेकिन बाल स्ट्रेट करने के दौरान उसने गर्म स्ट्रेनर से बालों की जगह अपने कान को पकड़ लिया। अब कान पकड़ने के चलते उसका वीडियो तो खराब हुआ सो हुआ, साथ ही साथ उसे अपने कान पर भी कई दिनों तक जलन सहन करनी पड़ेगी। अक्टूबर 2020 के दौरान मुंबई की कांदिवली में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक लड़का अपने सोशल मीडिया पर छाए रहने के चक्कर में अपार्टमेंट की 22वीं मंजिल के छज्जे पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालते हुए स्टंट वीडियो बना रहा था। जनाब का वीडियो वायरल तो हुआ, लेकिन लोगों ने उसकी सराहना करने की बजाय उसे मूर्खों के राजा नाम से नवाजा। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद महाशय को कुछ समय बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और कई धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। खैर, डीप इन्फो आपसे अपील करता है कि महज दोस्तों में हाइप बनाने के चक्कर में ऐसे कारनामे कभी भी ना करें जो आपकी जान पर भारी पड़ जाए। अब जरा इस जीनियस बच्चे से भी मिल लीजिए जिसने शायद कुछ ज़्यादा ही बॉर्नविटा पिया था, जिसके चलते वो अपने फ़ोन पर लगे टेम्पर्ड ग्लास को चेक करने के लिए इस पर हथौड़ी लेकर बैठ गया, लेकिन एक ही चोट में फ़ोन से हाथ धो बैठा और पछताने को विवश हो गया। हाल ही में मई 2021 के दौरान इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड के रहने वाले सोलोमी अस्पा नामक एक 19 वर्षीय लड़की अपनी कार में बैठी न जाने कौन सा खेल कर रही थी, जिसके चलते उसने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील में डाला और फंसा लिया। अब स्टीयरिंग व्हील में सोलोमी का हाथ इतना बुरी तरह से फंसा कि वो लाख कोशिशें करने के बाद भी निकाल नहीं पाई। सोलोमी ने अपना हाथ निकालने के लिए इस पर सैनिटाइजर से लेकर ऑयल तक सभी चीज़ें काम में ले ली, लेकिन हाथ नहीं निकला, जिसके चलते उसे अंततः फायर रेस्क्यूज को बुलाना पड़ा और फायर रेस्क्यूज ने इन मूर्ख मोहतरमा को लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला। खैर, इन मोहतरमा को भी देखिए जो पैर छोटे यानी हाइट कम होने के बावजूद भी पिकअप ड्राइवर से सीधे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन पैर जमीन पर न टिकने के चलते धराशायी हो जाती है। जनवरी 2021 के दौरान कनाडा के मिसिसोगा में एक चोर किसी व्यक्ति के घर पर पड़े पार्सल को चोरी करके भागने की फिराक में था, लेकिन तभी मकान मालिक को इस बात की भनक लग जाती है तो वो तुरंत चोर को पकड़ने के लिए भागता है। देखकर चोर भागने लगता है। अब चोर महाशय थोड़ी हैवी ड्राइवर थे, जिसके चलते वो भागते समय खूब चौड़ी सड़क होने के बावजूद भी कार को सड़क के किनारे पड़ी बर्फ में फंसा बैठे। काफी समय तक मशक्कत के बाद भी चोर अपनी कार को बर्फ से नहीं निकाल पाया और पुलिस द्वारा दबोच लिया गया। हाल ही में बीते मंगलवार यानी 1 जून 2021 के दौरान एक क्लिप इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई, जिसे सबसे पहले निरंजन महापात्र नामक एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपलोड किया। क्लिप में देखा गया कि एक दूल्हा अपनी ही शादी के दिन शराब के नशे में धुत था, जिसके चलते जनाब वरमाला पहनाते समय भूल गए कि दुल्हन कौन सी है और कौन सी उनकी सास। खैर, गनीमत रही कि ऐसा करने से पहले उसे किसी ने पकड़कर रोक दिया और दुल्हन की तरफ मोड़ दिया। अब जरा इन मोहतरमा से भी मिल लीजिए जो अपने रिश्तेदार के घर आई और झांकते हुए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करती है, जिसके चलते उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। ये मोहतरमा अपने किचन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर डांस कर रही थी, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे जा गिरी। अब जरा तमिलनाडु के रहने वाले रामा राव नामक इन महाशय से भी मिल लीजिए जो अपने दोस्तों के सामने हेकड़ी मारने के चक्कर में एक क्रैब यानी केकड़ी को मुंह के पास ले गए और खुले हुए पंजों में जीभ डालने लगे, लेकिन इस दौरान केकड़े ने जनाब की जीभ पर अपना पंजा बंद कर लिया और रामा राव को अपनी बेहुदा हरकत पर पछताने को मजबूर कर दिया। अब जरा इन मोहतरमा से भी मिल लीजिए जिन्होंने गोरी चिकनी स्किन पाने के लिए फेस मास्क लगा तो लिया, लेकिन वापस उतारते समय पछतावे के आंसू रोने लगे। अगली क्लिप में आप देखेंगे दो लड़कियां अलग अलग बोट में खड़ी होकर अपने मोबाइल के साथ कैच कैच खेल रही थी और अपनी इस हरकत के चलते तुरंत पछताने को मजबूर हो गई। हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान वायरल बहनी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक क्लिप अपलोड की जो देखते ही देखते वायरल हो गई। क्लिप में देखा गया कि बिग बॉस कंटेस्टेंट और जलेबी फिल्म की एक्ट्रेस डिंगाना सूर्यवंशी एक मोर के पास घूम रही थी और अपना वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन तभी अचानक मोर ने उन पर हमला बोल दिया और दूर भगा दिया।
क्लिप को देख हर किसी की हंसी छूट गई। वहीं लोगों ने फिरकी लेते हुए कहा कि वीडियो बनाने के चक्कर में मोर का रास्ता रोकोगे तो मोर ने तो बनना ही पड़ेगा ना। मुहतरमा एक सी लॉयन को मासूम समझते हुए उसे सहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सी लॉयन को ये बात जरा कम हजम हुई, जिसके चलते उसने एक ही कोशिश में लड़की के अगले ठिकाने ला दी। टिकटॉकर्स की झूठी शान शौकत वाली दुनिया से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। ठीक उसी प्रकार के लोगों में से एक ही मोहतरमा भी है, जो अपने फोन को पार्किंग में खड़ी अपने बॉयफ्रेंड की कार पर सेट कर टाइमर ऑन कर लगातार फोटो क्लिक कर रही थी। लेकिन मोहतरमा का बॉयफ्रेंड कार के अंदर बैठा उसकी पूरी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा था और उसकी हरकत से परेशान होकर अचानक से तेज हॉर्न बजा देता है, जिससे लड़की डर जाती है और उसकी ड्रिंक भी गिर जाती है। बॉयफ्रेंड ने बेचारे की बची खुची इज्जत भी उतार दी। ये वाक्या उस समय देखने को मिला जब एक मूर्ख चोर मॉल में अपनी जरूरत का सामान चोरी कर रहा था, लेकिन महाशय इस बात से अनजान थे कि उसके सामने खड़ी लड़की के साथ खड़ा शख्स उसे रिकॉर्ड कर रहा था और सीधा अपने लाइव स्ट्रीम पर भी दिखा रहा था। अब जरा इस वायरल क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें एक मूर्ख महाशय को पेड़ काटने वाले चेन सो की मदद से एक शख्स के बाल काटते हुए देखा गया। जहां एक छोटे से ट्रिमर के साथ भी बड़ी ही सेफ्टी से आरामदायक कटिंग बनाई जा सकती है, वहीं इतने बड़े और खतरनाक चेन सो से बाल काटने और कटवाने वाले इन महाशय को मूर्ख नहीं कहा जाए तो और क्या। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कॉमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।